अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बड़ा अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लगातार AICTE जो स्टूडेंट्स की सीट्स कैंसिल कर रही हैं, इसमें यहाँ पे एक बड़ा अपडेट अभी आया है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स की और सीट्स यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं और हो भी जाएंगी इस मैक्सिमम कैंडिडेट्स की, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें काफ़ी सारे एरर्स थे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान थे कि कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स को कैसे अलाटमेंट हुई और ज़्यादा परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स को किस तरह से अलाटमेंट हुई। तो उसी को देखते हुए जब AICTE ने यहाँ पे चेक किया तो उन्होंने देखा कि इशू जो है वो कहाँ पे हो रहा है। वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेल आई है आज, काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमारे साथ मेल शेयर की, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि असल में इशू क्या है और किन किन कैंडिडेट्स की यहाँ पे और सीट्स कैंसिल हो गई हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। जो भी अपडेट होगा AICTE की तरफ से मैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये अभी अभी कुछ कैंडिडेट्स को। पहले तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में जिन कैंडिडेट्स की BSc नर्सिंग में यहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी उनका तो ऑलरेडी उन्होंने कैंसिल कर दिया, पिछले दिनों से उसकी प्रोसेस चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम सारे मध्य प्रदेश के एडमिशन जो है नर्सिंग के एडमिशन कैंसिल करके उन कैंडिडेट्स को सेकंड राउंड में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन यहां पे अभी जो है और भी बाकी के स्टेट्स में यहां पे कैंसिल एडमिशन हो रहे हैं। तो आप मेल देख लीजिए, यहां पे खुद ही आप पढ़ दीजिए। इसमें क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स को यहां पे गलत सीट्स फर्स्ट राउंड में अलॉट कर दी गई। मेल आप खुद पढ़ दीजिए, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये अभी अभी कुछ कैंडिडेट्स को आया था जिनको कर्नाटक या किसी और स्टेट में एडमिशन हुआ है, उसमें क्या हुआ था कि जिन कम परसेंटेज के कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुई थी उनकी सीट्स यहां पे कैंसिल कर दी गई हैं। क्यों कैंसिल कर दी है, मैंने पहले ही आपको बोला था कि जो आपकी अलॉटमेंट लिस्ट होती है, सिलेक्शन लिस्ट होती है, वो कंप्यूटराइज्ड बॉट के जरिए बनती है। तो उनमें कुछ इशू की वजह से जो सीट्स हैं वो गलत जो है वो यहाँ पे अलॉट कर दी गई हैं। जिन स्टूडेंट्स को अलॉट होनी चाहिए थी सीट्स उनको नहीं हुई, और जिनको नहीं होनी थी सीट्स उनको यहाँ पे हो रही हैं। और जब AICTE ने उसको चेक किया, आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से साइट अंडर मेंटेनेंस थी और काफ़ी सारे एरर्स थे। 2021 बैच के कैंडिडेट्स को भी वहाँ पे इशूज चल रहे थे। तो उसको देखते हुए जब उन्होंने चेक किया, यहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में कुछ क्रैश की वजह से, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से सीटें जो है वो गलत स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी गई हैं। और जिस जिस कैंडिडेट को गलत सीट अलॉट कर दी गई है उस कैंडिडेट को यहाँ पे सीट कैंसिल कर दी जा रही है AICTE से, और उसको यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो है यहाँ पे भेज दिया गया। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि लार्ज नंबर ऑफ सीट्स आर वैकेंट, यू हैव टू फियर चांसेस टू गेट ए सीट इन द सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी सीट्स अभी वैकेंट हैं। मतलब कि आपको पहले ही पता होगा कि नर्सिंग की भी सीट्स कैंसिल हुई और बाकी के स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी यहाँ पे जो गलत सीट्स अलाट हो चुकी थी उनकी सीट्स भी यहाँ के कैंसिल हो रही हैं। अभी जब सेकंड राउंड हो जाएगा 21 के बाद और बहुत सारी 60% प्लस सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहेंगी। तो फिलहाल का जो बड़ा अपडेट था वो ये था कि सीट्स जो है वो AICTE जिन कैंडिडेट्स की गलत सीट्स यहाँ पे अलाट होती रही है उन कैंडिडेट्स की यहाँ पे सीट्स कैंसिल होती जा रही हैं, और अभी आने वाले दिनों में और सीट्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। और जिस भी कैंडिडेट को गलत सीट अलॉट हो गई होगी या टेक्निकल ग्लिच की वजह से सीट अलॉट हो गई होगी उस कैंडिडेट की सीट यहाँ पे AICTE लगातार कैंसिल कर रही है, और आगे चल के भी जो है आने वाले दिनों में भी उस कैंडिडेट की सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इसमें आप परेशान नहीं होना, सारे कैंडिडेट्स की नहीं हो जाएगी, जिस जिसकी टेक्निकल ग्लिच की वजह से गलत सीट अलॉट हो चुकी। अभी जिस कैंडिडेट की यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके 390 मार्क्स थे विद RBI, लेकिन इसकी सीट अलॉट हो चुकी थी। अभी जब उसमें देखा गया कि टेक्निकल ग्लिच वजह से इसकी सीट कैंसिल कर दी गई है और इसको जो है वो नेक्स्ट राउंड में अपडेट कर दिया गया। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है AICTE की तरफ से, और कुछ के लिए ये गुड न्यूज़ है और कुछ के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि जिस बेचारे की सीट कैंसिल होगी जो कॉलेज में गया होगा एडमिशन के लिए, अब यहाँ पे मेल आ रही है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है, उसके लिए तो सही न्यूज़ नहीं है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट नहीं हुई है उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि काफ़ी सारी सीट्स अभी वैकेंट रहेंगी और काफ़ी कैंडिडेट्स को अभी सीट्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी इशूज़ की वजह से जो है वो गलत सीट्स इन्होंने अलॉट कर दी हैं इस बार। तो वो सब कुछ AICTE चेक करिए, रेस्टिफाई सारे एरर्स कर देंगे और सेकंड राउंड में अच्छी तरह से आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो फिलहाल का जो बड़ा अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मेल भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो जूं ही जो भी कोई बड़ा अपडेट वहां से आ जाएगा, जो भी अपडेट आ जाएगा मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपका जो बड़ा अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस